बताता हूँ मैं ये रियल है सामने से कंफर्म कर ली मैंने ये मैं विजिट करके आया था वहाँ पे अच्छा टाइम पहले की बात है ये होगी एक दो साल पहले की बात है और मैंने एक पॉडकास्ट में बोली भी थी कि वो रील भी काफी वायरल हुई थी पर डिस्चार्ज पिलाकर वशीकरण करा था हस्बैंड को हु. अभी रिसेंटली मैं उस लोकेशन पे गया था तो वहां पर मेरे नून में रहते थे कोई तो जब मेरे को इस बारे में बताया था कि उस फैमिली में ऐसा ऐसा हो रहा तो उस फैमिली का पूरा मैंने जाना किसी ने किसी से परमिशन ली कि मैं बता सकता हूँ तो उन्होंने बोला लोकेशन वगैरह मत बताना नाम वगैरह मत बताना बाकी आप बता सकते हो एक फैमिली थी मम्मी पापा दो लड़कियाँ और उनका एक लड़का लड़का सबसे बड़ा था उससे फिर छोटी आती थी फिर दूसरी छोटी आती थी दो लड़कियाँ थी जो माता जी थी और पिताजी थे बहुत मेहनती थे पिताजी पूरी रात रात भर काम किया करते थे फैब्रिक वगैरह में मतलब उसी फील्ड में थे फैब्रिक में गऊ इंसान और अपनी तरफ से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी हुआ क्या जब सबसे बड़े लड़के की शादी करा दी गई इनके घर में वो औरत आ गई भाई क्या हुआ जो इंसान अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था या अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता था ना वो ऐसा हो गया कि एक महीने के अंदर अंदर उसने अपने बाप पे हाथ उठाने शुरू कर दिए और मैंने ये सारी चीज़ें सामने सामने देखी है सुनी है मैंने एक एक चीज़ कन्फर्म की है अपने पिताजी पर हाथ उठाता था और घर में ना सब परेशान रहते थे कि ये अचानक से घर में इतने चेंजेस कैसे आ रहे हैं तो जो लड़के की लुगाई थी वाइफ थी वो बोलती थी कि हमें इतना हिस्सा चाहिए प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा चाहिए मतलब ये समझ लो कि जो वाइफ आई थी उसके बाद घर में चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे हुआ क्या इनने डिसीज़न लिया कि यार एक काम करते हैं और काफ़ी बड़ा घर है बीच में एक दीवार खिंचवा देते हैं उस साइड वो रह लेंगे और बाकी बच्चों के साथ ये रह लेंगे थोड़े टाइम बाद जो बीच वाली बहन थी उसकी शादी हो गई वो अपने घर घर चली गई अब जो सबसे छोटी लड़की थी उसके साथ हादसे उन्हें स्टार्ट हुए कि वो जो भाभी थी ना इनके घर में आती थी कि हमारा ये सामान रह गया तो वहाँ पे पता नहीं क्या आई के दाने फैला देती थी कोई दाने वाने फैला देती थी इनके घर में कभी कबूतर मरा मिलता था कभी कोई जानवर मरा मरा मिलता था और ये ऐसे थे कि अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे जो जितना गऊ इंसान होगा वो उतना ही कम बाहर निकलेगा पिताजी थे वो एक टाइम पर आके बुजुर्ग हो गए उन्होंने काम काज छोड़ दिया उन्हें उस्ताद जी कहा जाता था फैब्रिक में वो थे तो धीरे धीरे क्या हुआ इनकी जो मम्मी थी भाई उनकी जो मम्मी थी ना उनकी हालत बद से बदतर होने लगी धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होनी स्टार्ट हुई उनको इन्होंने क्या करा बेड पे लेटा दिया इनके काफ़ी ट्रीटमेंट और ऑपरेशनस वगैरह होते थे और चेकअप होते थे चेकअप में कुछ भी नहीं आता था कि इनके अंदर कुछ है या नहीं है कुछ भी नहीं आता था लेकिन उस औरत जो वो जो औरत थी भाई वो अपनी तरफ से सब कुछ करती रहती थी सब कुछ करती रहती थी पता नहीं कभी घर में कुछ मिल रहा है कभी हल्दी पड़ी मिल रही है कभी जो होते हैं सिंदूर पड़ा मिल रहा है राई के दाने ये लौंग वगैरह बहुत कॉमन है क्यों आने की ज़रूरत नहीं थी बस साइड से फेंक दो क्योंकि छत भी सेम है ना इनकी बस दीवार खिंचवार के घर में फेंक दो वो वाला सीन था ये क्या करते थे झाड़ू से बाहर निकाल दिया और कौन निकालता था मम्मी जी निकालती थी तो क्या हुआ इन ये बेड पे आ गई और बेड भी उस टाइम पे ना भाई वैसे नहीं होते थे जो फट्टे वाले होते हैं ना उस टाइम वो चारपाई टाइप ज्यादा होती थी वो चार पाई चार पाई जो रस्सी से बनती आ, है ना तो वो थी तो क्या हुआ इनकी मम्मी क्या करती थी थोड़ा बहुत काम करा थक गई अपने चार पाई पर लेट गई ठीक है तो इन्होंने काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व करा कि यार जो आंटी जी है ना वो चार पाई छोड़ नहीं रही मतलब सफाई करनी भी बंद कर दी सबसे छोटी लड़की है वो कर रही है सफाई वफाई बंद कर दी बिल्कुल ऐसी चार पाई पर लेटी रहती थी उन्हें हफ्ते से ऊपर हो गया वो बस चार पाई पर लेटी लेटी खा लेती थी बहुत ज़्यादा एजिड हो रही थी धीरे धीरे खा रही थी हल्का बहुत मतलब ऐसा हो गया था कि हालात बहुत बद से बदतर हो गए थे और इन्होंने दूसरी चीज़ों पर छोड़ ही दिया था कि दूसरी ऐसी कोई चीज़ है इससे पहले एक इंसिडेंट और हुआ था जो उस घर में हुआ था मैं बताना भूल गया जो बीच वाली बहन थी ना उसने एक बार क्या करा उनके घर में जब कोई टोटका पड़ा था मैंने उस लड़की को लाइव देखा भी जो मैं बता रहा हूँ उसने क्या करा अपने हाथ से वो टोटका उठाया और उसने गुस्से में अपने घर से बाहर फेंका और उसने क्या करा ऐसा पसीना हटाने के लिए यू करते ना यूं उस लड़की के ना यहाँ पे अजीब सी एक एलर्जी हो गई यहाँ पे इतने हिस्से पे उसकी दवाइयाँ दे दे के दे दे के दे दे के उस एलर्जी को रोका गया जो एलर्जी आज तक नहीं रुकी हुई है उसका इतना बड़ा ना ऐसा घाव सा निशान है यहाँ पे आपने देखा। मैंने देखा सामने सामने उस लड़की वो जब मेरे सामने आई थी मैंने पूछा था की यही है तो इन्होंने बताया हाँ, इसने उस टोटके को ऐसे करके ऐसे फेंका था और बस यू करा था पसीना साफ करने के लिए यहाँ पर उसके घाव आ गए उन्हें पता चल रहा है पड़ोसी ये सब कर रहे हैं पर कुछ नहीं कर रहा पड़ोसी नहीं है बच्चा और उसकी वाइफ रह रहे हैं साइड में बट वो फिर उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले रहे कुछ इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इन्हें इन चीजों की नॉलेज ही नहीं है इन्हें बस ये या बताऊँ जैसे कोई शरीफ इंसान होगा ना उसके साथ है? तो वहाँ पे मान्यता भी है, बहुत सारे मंदिरों की और बहुत बड़े बड़े हनुमान मंदिर है वहाँ पर लोकेशन नहीं बता सकता मैं तो उस लड़की ने ऐसे करा उसका पूरा मुंह यहाँ से इतना हिस्सा उसका खराब हो गया ठीक है फिर उसने मना कर दिया कि तुम टोटके को हाथ मत लगाओ तो मम्मी जी ही सब कुछ करती थी जब एक डेढ़ हफ्ता मम्मी जी नहीं उठी ना वहाँ पर से इन्होंने कहा कि दोबारा डॉक्टर के लेके जाना है चेकअप के, चेक के लिए क्योंकि खाना भी नहीं खा रही अब भाई इन्होंने जब ऐसे चार पाई से आंटी जी को उठाया ना, तो ना वहाँ पर उनकी सूट उनकी बैग पूरी खाल चिपक गई थी से। उनकी कमर पूरी गल गई थी काले जादू से इतना बुरा हाल करा था ना उनके घर में उनकी कमर पूरी गल गई चार पाई जैसे होते नहीं यू, यू स्क्वायर बने थे वैसे पूरी खाल छिपकी हुई थी उस पर यह इतना ज्यादा बुखलाग है क्योंकि लड़की की भी शादी होगी लड़का तो बगल में ही रह रहा है वो तो लड़का कुछ कर ही नहीं रहा हो तो बस मार पीट करता है और औरत इतनी गंदी है कि अगर कोई बीच में आता है ना बचाव के लिए तो अपने कपड़े फाड़ देती है वो मार पीट या घर वालों को ही मार रहा है घर वालों को कि मेरा बाप है प्रॉपर्टी नहीं दे रहा मेरे को पैसे नहीं दे रहा ये नहीं वो नहीं और बाप बेचारा भाई अपनी लड़कियों की शादी भी तो करनी है उसे तेरी तो करा दी तू तो किसी काम का है नहीं पेपर से बेदखल कर दिया फिर भी नहीं मान रहा प्रॉपर्टी चाहिए प्रॉपर्टी चाहिए कुछ ज़मीन जायदाद होगी कहीं खेतों की वो चाहिए थप्पड़ वप्पड़ बीवी बीच में घर में घुस जाती है कि हमारे घर में ये चीज़ नहीं है पैसे दो हमें कभी किसी ने एक्शन लेने की कोशिश की कपड़े फाड़ लिए पुलिस बुला ली कि मेरा ऐसे ऐसे अटैम्प कराई है वो है भाई पिताजी बहुत परेशान हुए माता जी एक टाइम पे आके उन्होंने बोलना बंद कर दिया वो सुन पड़ गई बस ऐसे लेटी थी तो ऐसे लेटी रहती थी एक रात क्या हुआ घर में चिल्लाने की आवाज़ आई पता नहीं किसकी किसी एंटिटी की बहुत तगड़ी और माता जी बस अपनी जगह पर लेटी लेटी जैसे होता है ना एकदम से घबरा रही है स्लीप पैरालिसिस में वाइब्रेट हो रही है ऐसे होता रहा उनके मुंह से झाग निकलने लगे उनको एमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया हॉस्पिटल वालों ने हालात देखी हालत देखी कि यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि इनके साथ हो क्या रहा है और भाई लिटरली मैं काफ़ी ना इमोशनल हो जाता हूँ जब ऐसी चीज़ बताता हूँ क्योंकि मेरे सामने वो पूरी फैमिली बैठी हुई थी उनके मुँह से झाग निकले और आखिरी में जो मैं बताऊंगा ना भाई आपको इतना हेट होगा ना वो औरत के मुंह से झाग वाग निकले उन्हें हॉस्पिटल लेके गए वो वो औरत ना तड़प रही थी लिटरली क्यों मेरे को खाना दे दो मेरे को पानी दे दो मेरे को प्यास लग रही है डॉक्टर ने बोला भाई मत देना इनकी अंतड़ियाँ किस टाइम भी फट सकती है मत देना अब जो बच्ची थी वो अपनी माँ के बहुत ज़्यादा क्लोज थी उसने बोला कि माँ को तड़पते कैसे देख सकती हूँ उसने एक गिलास पानी ऑफ़र करा उसकी मम्मी ने पानी पिया और वहीं पर उसकी अंतड़ियाँ फट गई अंतड़ियाँ फट गई वहीं ऑन द स्पॉट क्लियर हो गया कि आपको मना करा था तो बच्ची बोली कि मैं अपनी माँ को मतलब तड़पते देख लूँ पानी ना पीने दूँ, उसके बाद माता जी चल बसी जो पिताजी हैं लड़की है, वो कहीं ना कहीं अपना पीछा उनसे छुड़वा के कहीं और चले गए वो जो औरत है ना आज भी मैं देखता हूँ उस औरत को माँ कसम इतनी ऐसी औरत है ना पता क्या बोली कि मैं इस खानदान को खत्म करवा दूंगी तो तो प्रॉपर्टी सारी इसके नाम आ जाएगी ना मेरे पति के मैं सबको मरवा दूंगी भाई आए दिन नंगी के खड़ी हो जाती कहीं भी हरियाणा पुलिस ने पता क्या बोला था जब कंप्लेंट करी थी सारे जितने भी वहां वो थे पड़ोसी वो बोले भाई साहब हमारे सामने आपके कपड़े फाड़ रही आप फिर भी कुछ नहीं कर रहे हरियाणा पुलिस को बोले हरियाणा पुलिस पता क्या बोली कि मैडम एक बात बताओ हमारे ऊपर कपड़े फाड़ के आरोप लगा दिया हम क्या कर लेंगे वो जो आदमी है ना अभी भी है वो जो इतना पिटा है पुलिस वालों से इतना सिर्फ झूठे केस में और पुलिस वालों को पता है कि ये झूठे केस है लेकिन फिर भी एक्शन ले रहे हैं क्योंकि एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि औरत ने कंप्लेट डाली है कपड़े फाड़ के कि मेरे ऊपर कुछ हुआ है पुलिस वालों की उस औरत से ना लिटरली फटती है और वो इतने बड़े तांत्रिक से कनेक्टेड है पता नहीं किससे कनेक्टेड है भाई वो ना पहली बार मैंने ऐसा सुना था वो फोटो से भी ब्लैक मैजिक करवा सकती है फोटो से भी इसलिए उसके बीच में कोई कुछ नहीं बोलते बस अब इतना रह गया कि वो जो आदमी और उसकी बेटी है वो भागे भागे घूम रहे इधर से उधर प्रॉपर्टी भी नाम करवा दी जब लड़का बेदखल करवा करवाप है वो वो भगा भगा दौड़ रहा है अपने बच्चे से बताओ क्या औलाद अब वो चाह क्या रहा है जब प्रॉपर्टी उसके नाम करवा दी भाई और पैसा चाहिए अब वो अपनी बच्चियों को नहीं देगा क्या हिस्से तो उनके भी बनते हैं तुम सब कुछ ले लोगे और तुमने करा कुछ भी नहीं सेवा के नाम पे तुमने लात मारी केस लगा दिए अभी तक वो लोग ना ऐसे डर में जीते हैं जब मैं बोलता हूँ ना कि कोई हेल्प चाहिए कुछ नहीं चाहिए नहीं नहीं बेटा तू बीच में मत भाई ये तो अलग ही चीज़ है यार क्या ही औलाद है भाई हाँ 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 लास्ट फाइनली अब मुझे याद आया जो वो रील वायरल हुई थी वो क्या थी कि जब इन्होंने जो पापा जी थे और उनकी लड़की ने पता करवाया कि एक्चुअली में हमारा लड़का ऐसा क्यों कर रहा है चलो ये तो दूसरे ब्लड लाइन की है हमारा लड़का ऐसा क्यों कर रहा है तब वो जो वहां पर बैठे तांत्रिक थे उन्होंने बताया कि आपके लड़के को पहले दिन ही इसने अपना वाइट डिस्चार्ज पानी में मिला के पिला दिया था जो याद है फर्स्ट सेकेंड पॉडकास्ट में मैंने बताया था मैंने ऐसा काला जादू देखा जहाँ पर वाइट डिस्चार्ज पिला के अपने कंट्रोल में कर रखे है उस लड़के को कुछ नहीं पता उस लड़के को बस इतना पता है मेरी बीवी जो बोलेगी मुझे वो करना उसने बोला ना अपने पापा को मार वो उसके लिए पापा नहीं है जैसे अभी हम शैतान वशीकरण की बात कर रहे थे ना कि जो वो बोलता था मैडी माधवन वही वो लड़की करती थी टाइम लगा उस लड़के को मैंने बोला ना एक महीने बाद सब कुछ हुआ था एक महीने बाद वो औरत जो बोलती थी उसका पति वही करता था और आज भी भाई मैं बता रहा हूँ मैं गया था जब इनकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो रहा था तहसील जो होती है जगह पे मैं कह रहा हूँ वो औरत पता कैसी है डमरूसी है वो और आती पता क्या करेगी भाई पूरी मर्द जात की ना फटती है उससे वहां पे कि अगर वो चिल्लाना शुरू करेगी वहां के जो वो होंगे ना सरपंच वगैरह भी वो भी बोल देंगे भाई इससे दूर रहो ज़्यादा अच्छा है ये एक ऐसी औरत है ना जिस जो घर परिवार बर्बाद पर कर दे उसने एक लड़की को ना मैं बता रहा हूँ एक लड़की पता नहीं कुछ कर दिया था उसकी भी कुछ बच्ची थी उस औरत की उस बच्ची से कोई छेड़छाड़ कर दी थी भाई आप बिलीव नहीं करोगे उस लड़की के ऊपर क्या काला जादू करा उसने ऐसा काला जादू करा वो जो लड़की थी ना उसने काली मुर्गी को पकड़ा उसके ऊपर पैर रखा और बोलने लगी मैं इसको खाऊंगी वो लड़की बोलने लगी मैं इसको खाऊंगी और वो पता किस मोहल्ले में थी जहाँ पर मुर्गियों को पूजा जाता है उनको अपने पास पाला जाता है वो पूरा मोहल्ला उस लड़की को मारने के लिए आ गया था बाद में पता चला इस लड़की के ऊपर कुछ कर रखा है जिसकी वजह से ये हरकत कर रही है यार तो